हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 37। ये 29 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है बहुत ही मज़ेदार सी वर्कशीट है। ये आपका जो लिटरेचर में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रीकैप है। तो आप रीकैप कैसे करेंगे? यहाँ पर एक आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, आपको ये क्रॉसवर्ड फिल करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर्स लिखने हैं और फिर जो आंसर्स हैं उनको इस क्रॉसवर्ड में फिल करना है। मज़ेदार बात ये है कि क्रॉसवर्ड से पहली बात तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे आपके आंसर में, वो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो इससे भी आपको आंसर ढूंढने में, आंसर कंफर्म करने में, चेक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। साथ ही साथ आप जब क्रॉसवर्ड कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड जो है ऐसे अक्रॉस होते हैं, कुछ वर्ड डाउन होते हैं, तो कुछ लेटर जो है वो कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन लेटर होते हैं उनसे भी आपको आइडिया लग जाता है कि जो आपने आंसर सिलेक्ट किया है वो सही आंसर है कि नहीं है। तो इसलिए क्रॉसवर्ड करने में बड़ा ही मजा आता है। न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप देखते हैं क्रॉसवर्ड तो उसे भी सॉल्व किया कीजिए, उससे आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही मजेदार भी होते हैं ये। खैर, अब देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या है। उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए, ताकि आपको ये जो लिटरेचर का हम रीकैप कर रहे हैं वो आसानी से समझ आ जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस कौन से हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के यहाँ आंसर बता देती हूँ और बाद में फिर आप उसे क्रॉसवर्ड में आप फिल इन कर सकते हैं और इसे क्रॉसवर्ड को फिल करने को एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस रिकैप को पहले खुद अटेम्प्ट करने की और फिर आप यहाँ से इस वीडियो से आंसर्स को अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि अक्रॉस आपको क्या क्या बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कौन से वो खान थे तो जो फेमस शहनाई प्लेयर थे? तो पहले हैं सी बिस्मिल्ला खान, उसके बाद है कि फोर्थ आपको, अब फोर्थ यहाँ जो फर्स्ट आपने लिखना है, आपने बिस्मिल्ला खान कहाँ लिखना है? आपने यहाँ पर लिखना है BISM, ऐसे करके आपको ये अक्रॉस यहाँ लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट अक्रॉस दिया हुआ है, ये फोर्थ अक्रॉस, तो इसका क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। फाइनली कैजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज क्वाइट डैश। फाइनली कैजिया को क्या रियलाइज हो गया? उसके फादर जो है बहुत ही केयरिंग थे। तो ये वर्ड केयरिंग जो है आप यहाँ पर फिल करेंगे, ये CARING, यहाँ पर आप इसे फिल करेंगे। फिर सिक्स्थ अक्रॉस है, इन द बिगिनिंग कैजिया यूज टू डैश वाइल टॉकिंग टू हर फादर। शुरू में कैजिया जब अपने फादर से बात करती थी तो कैसे बात करती थी? शी यूज टू स्टैमर, वो हकला कर बात करती थी। तो इस सिक्स को आप यहाँ पर फिल करेंगे, STAMMER। तो इस तरह से आप फिल करते जाइए। ये जो नंबर यहाँ लिखा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर देखिए। तो अगर अक्रॉस की लिस्ट में है तो आप इसे ऐसे लेफ्ट टू राइट भरेंगे, और अगर डाउन की लिस्ट में आपका आंसर है तो उसे आप ऊपर से नीचे, ऐसे अप से डाउन की डायरेक्शन में आप फिल करेंगे इसको। तो अगला देख लेते हैं आपका, वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड। तो एक दिन जो है वो घर पर थी, उसे सर्दी लग गई थी तो इसलिए घर पे थी। शी वॉज एट होम, तो एट यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला जो है आपका टोंगा, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ आपको करके दिखा रखा है और इसलिए यहाँ पर ये नाइन्थ में यहाँ टोंगा ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड भी है। जल्दी से डाउन के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड यहाँ है, इन द विंड पोएम द पोएट सजेस्ट अस टू मेक द हार्ट डैश। तो पोएट क्या कहता है हमें कि हमें अपने दिल को, अपने हार्ट को कैसा बनाना चाहिए? उसे स्टेडफास्ट बनाना चाहिए, उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो अब स्टेडफास्ट को आप लिखेंगे, यहाँ पर आप डाउन में देखिए टू कहाँ लिखा है, टू लिखा है यहाँ, तो आप डाउन जाएंगे तो अप से डाउन, तो आप STEADFAST इस तरह से आप यहाँ पर स्टेडफास्ट लिखेंगे। अगला चलते हैं, थर्ड है, द विंड सिंबलाइजेस डैश इन द पोएम। विंड क्या सिंबलाइज करती है? वो हार्डशिप्स को सिंबलाइज करती है। फिर फोर्थ है आपका, बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड भारत रत्न द हाईएस्ट डैश अवार्ड इन 2001। तो 2001 में भारत रत्न उन्हें अवार्ड किया गया था, वो क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो बिस्मिल्ला खान जी को मिला था। फिर है, टोटो वॉज डैश बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। तो टोटो कैसा था? प्रिटियर था, प्रिटीएस्ट था, अगली था या प्रिटी था? सो टोटो वॉज प्रिटी बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। तो प्रिटियर और प्रिटीएस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम उसको, और अगली तो ऑब्वियसली वो नहीं था, तो प्रिटी है यहाँ पर।
फिर लास्ट है आपका ग्रैंडफादर डैश टोटो अलोंग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून. तो ग्रैंडफादर उसे ले गए थे, तो यहाँ पास्ट टेंस है, तो ग्रैंडफादर टुक टोटो अलोंग इन अ कैनवस बैग. तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये जो वर्कशीट है अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसे फिर बाद में आपको क्रॉसवर्ड फिल करने में भी बहुत ही मजा आएगा. आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कोई डाउट हो तो वो हमसे आसानी से पूछ लें. तो आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी वीडियो, जरूर इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.